अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 70। आज के लेसन में हम लॉफ्ट कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लॉफ्ट कमांड क्या होती है और लॉफ्ट कमांड में गाइड का क्या फंक्शन है, पाथ का क्या फंक्शन है एंड क्रॉस सेक्शन ओनली का क्या फंक्शन है। तो आज की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आप इस कमांड के थ्रू काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इस कमांड की तरफ जाते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है, आप गौर कीजिएगा। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने आपको प्रीवियस लेसन में कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था, तो मैंने इसीलिए किया था ताकि हम लॉफ्ट कमांड के ऊपर कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट कोऑर्डिनेट मैंने लिया और फ्रंट कोऑर्डिनेट में मैं एक लेता हूँ जी लाइन लेता हूँ, पॉली लाइन या फिर आर्क लेता हूँ या पॉली लाइन लेता हूँ। पीएल एंटर करता हूँ, पीएल एंटर करता हूँ, यहाँ से या फिर मैं आर्क ले लेता हूँ, ओके आर्क ली। अब इस आर्क में एक मैं यहाँ पे सामने एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, तो उस रेक्टेंगल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ बॉटम, और मैं यहाँ से रेक्टेंगल के लिए आर ई सी एंटर करता हूँ। मूव करते हैं इसको एम एंटर, और इसके इसको मिड पॉइंट से मूव करूंगा। यहां पे इससे अटैच कर दिया मैंने, और अब एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जो यहां पे बॉटम में इसमें मैं करूंगा। अब इस रेक्टेंगल का साइज काफी बड़ा है तो मैं इसका साइज छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो ऑब्जेक्ट बनाए वो थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बने। ओके अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये वर्ड पे भी काम होते हैं, नीचे आप कर सकते हैं रेक्टेंगल आर ई सी एंटर करता हूँ, क्योंकि वर्ड जो होता है वो बॉटम ही होता है। मूव करता हूँ इसको भी हम एंटर, सेंटर पॉइंट इसका, और यहाँ से सेंटर पॉइंट ले, और यहाँ से बिल्कुल मिड पॉइंट आपको आ जाएगा, आप इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ जोड़ दें। तो अब है जी लॉफ्ट कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं, लॉफ्ट कमांड क्या होती है और उस पर काम कैसे किया जाता है। तो लॉफ्ट कमांड में पहला जो काम मैं करता हूँ वो पाथ मैं दूंगा लॉफ्ट के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सट्रूड में लॉफ्ट कमांड नज़र आ रही होगी, लॉफ्ट कमांड के ऊपर क्लिक कर किया मैंने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट को मैंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे कह रहा है इन दोनों को ज्वाइन किया और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है पाथ देना चाह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देना चाह रहे हैं, पहले पाथ देना चाह रहा हूँ, तो पाथ के लिए मैं पी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ पाथ के ऊपर, और मैं इसको ये वाला पाथ देना चाह रहा हूँ, और मैं इसको पाथ जो ही दूंगा तो देखें एक ज़बरदस्त एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। देख सकते हैं लॉफ्ट कमांड की मदद से हमने एक ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, देखें ज़रा। तो ये था लॉफ्ट कमांड का फंक्शन। नेक्स्ट लॉफ्ट कमांड में एक और काम करता हूँ। अब नेक्स्ट जो एरिया है, नेक्स्ट जो कमांड है वो लॉफ्ट की, वो है जी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ पाथ के बाद। नेक्स्ट जो कमांड थी इसकी वो है गाइड्स, तो गाइड्स के लिए मैं इसके लिए इसमें कुछ गाइड्स ड्रॉ करता हूँ। तो गाइड्स के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक एलिप्स कमांड लेता हूँ, या स्पेल लाइन कमांड लेता हूँ। स्पेल लाइन कमांड ली फर्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड, और इसको मैं यहाँ से ही गाइड जोड़ देता हूँ इसका, एक गाइड ये दे दिया मैंने। नेक्स्ट में स्पेल लाइन फिर एक्टिव करता हूँ, और यहाँ पे स्पेल लाइन को मैंने ऐड कर दिया। तो इसको मैंने गाइड्स दे दिया। अब गाइड्स देने के बाद मैं इस पे जो काम करूंगा वो क्या है, किसके लिए मैं दोबारा मैं लॉफ्ट कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ,
लॉफ्ट वन कह रहा है सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन, पहले लॉफ्टिंग के लिए ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, फिर ये सिलेक्ट करता हूँ और अब एंटर करूंगा। अब मुझसे कहता है पाथ देना चाह रहे हैं गाइड, तो पाथ पे मैंने इसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं गाइड्स देना चाह रहा हूँ, तो गाइड्स के लिए मैं गाइड पे क्लिक करता हूँ और गाइड के लिए मैं फर्स्ट गाइड ये वाला एंटर करता हूँ और सेकेंड गाइड में ये वाला एंटर करता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो आप देखें एक गाइड्स के ऊपर इसने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है और यह भी बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ हो गया, देखें ज़रा देख सकते हैं। तो ये जो मैंने गाइड दिया तो गाइड पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट जो काम है उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले और मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, वो इसी के ऊपर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, इसके मिड पॉइंट में सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, मूव के लिए मैं एम एंटर करता हूँ या फिर यहाँ पे आपके पास मूव की कमांड है, ये देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको एंगल दे दिया मूव करने के लिए, मैं थोड़ा सा इसे मूव करता हूँ ऊपर, ये मूव हो गया। दोबारा एम एंटर करता हूँ, मूव करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को भी, सेंटर वाले को भी, और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मूव कर दिया मैंने, ओके। अब मैं लॉफ्ट कमांड दोबारा अप्लाई करता हूँ, जो क्रॉस सेक्शन है ओनली, लॉफ्ट कमांड क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया और थर्ड पे क्लिक किया और अब मैं एंटर करता हूँ क्रॉस सेक्शन के लिए, एंटर करता हूँ तो ये देखें क्रॉस सेक्शन में हमारे पास लॉफ्ट में ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, आप देख सकते हैं, देखें ज़रा। तो ये थी लॉफ्ट कमांड और लॉफ्ट कमांड के फंक्शन, और बहुत ज़बरदस्त कमांड थी, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।